हेलो स्टूडेंट, इट इज क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8, टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जीव जंतुओं में रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर इन ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। सभी जीवधारियों में रेस्पिरेशन सिमिलर है, एक समान है। बट मैनी एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीथिंग। लेकिन अलग अलग जीव जंतु, पशु पक्षी अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डियर, कैट, अदर मैमल्स एक्स्ट्रा ब्रीथ लाइक ह्यूमन बीइंग यूजिंग लंग्स। साधारण पशु जैसे गाय, भैंस, हिरन, बिल्ली और दूसरे मैमल्स मनुष्यों की तरह ही फेफड़ों से सांस लेते हैं। बट देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट दैट डू नॉट हैव लंग्स। लेकिन बहुत से अन्य जीव और जीवधारी, सूक्ष्म कीटाणु, कीट पतंगे ऐसे हैं जो कि फेफड़ों से सांस नहीं लेते, उनके पास फेफड़े नहीं होते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ, वे किस तरह से सांस लेते हैं, लेट अस फाइंड आउट। हमें इस बात को देखना चाहिए, समझना चाहिए। नंबर वन, ब्रीथिंग थ्रू एयर होल्स। छोटे छोटे एयर होल से ब्रीथिंग, कैसे ब्रीथिंग होती है, इस तरह से इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ग्रासहॉपर एंड बीज हैव स्पेशल एयर होल्स ऑन देयर बॉडी सरफेस कॉल्ड स्पिनेकल्स। इनके शरीर के ऊपर बारीक छिद्र होते हैं जिन्हें की एयर होल या स्पेरिकल्स कहते हैं। दीज स्पेरिकल्स आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब इनसाइड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड ट्रेशलर ट्यूब्स। ये छिद्र शरीर के अंदर इन कीट पतंगों में नलियों में जुड़े रहते हैं जिन्हें ट्रेशलर ट्यूब्स कहते हैं। श्वास नली की तरह होते हैं। दीज ट्यूब्स कैरी एयर फ्रॉम स्पेरल्स टू द टिश्यू। ये कोशिकाओं तक हवा को ले जाते हैं। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इन साइड द बॉडी वाइल कार्बन डाइऑक्साइड विच एयर इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू दीज स्पेरल्स। ऑक्सीजन हवा में से सोख ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा के साथ बाहर छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन। गीली त्वचा से सांस लेना। वी नो दैट एनिमल लाइक अर्थवर्म आर क्रीचर विच ब्रीथ अंडर द ग्राउंड इन द सॉयल। हम जानते हैं कि अर्थवर्म या केंचुए ऐसे जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं। दे यूज देयर मॉइस्ट स्किन एज ए ब्रीथिंग ऑर्गन। वे अपने गीली त्वचा को यूज करके ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। देयर स्किन इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। उनके खाल के साथ, त्वचा के साथ ही खून की नलियां होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द सरफेस ऑफ देयर स्किन डायरेक्ट इनटू द ब्लड और फ्रॉम द ब्लड। यहां वे अपने खून में से सीधा त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एम्फीबायंस लाइक फ्रॉग एंड सालामेंडर हैव लंग्स
फेफड़ों से सांस लेते हैं। वाइल दे आर इन वाटर और अंडर द ग्राउंड इन द सॉयल दे आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जब मेंढक पानी के अंदर होता है या जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर छिप जाता है तो तब वह अपनी मॉइस्ट स्किन गीली त्वचा के द्वारा सांस लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग थ्रू गिल्स। एक्वेटिक एनिमल्स सच लाइक फिश हैव गिल्स। जो जीव जंतु जैसे मछली जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, ये इनके स्पेशल ऑर्गन होता है, एक ग्रंथि होती है जिसे कि गिल कहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। ये अपनी इसी गिल के द्वारा सांस लेते हैं। गिल्स आर लाइक स्लिट्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। गिल्स में ये छिद्र नुमा होते हैं और इसमें धागे जैसी संरचनाएं फिलामेंट कहलाती हैं। दीज फिलामेंट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। इसमें खून की नलियां फिलामेंट्स में धागों के रेशों में होती हैं। व्हेन वाटर फ्लोस ओवर द गिल्स द ब्लड वेसल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब ये अपने मुंह में पानी भरते हैं तो वह गिल्स से निकलता है और गिल्स से निकलने से पहले वे पानी में एब्जॉर्ब ऑक्सीजन उन ब्लड वेसल में छोटे फिलामेंट्स में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि मछली इस प्रकार से पानी से ही ऑक्सीजन ग्रहण कर पाती है। हाउएवर एक्वेटिक एनिमल लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन डू नॉट हैव गिल्स। लेकिन सभी जलीय जीवों के गिल नहीं होते। बड़ी मछलियां जैसे व्हेल और डॉल्फिन के गिल्स नहीं होते। दे हैव कम अप द सरफेस एट रेगुलर इंटरवल फॉर ब्रीथिंग। वे नियमित समय के बाद सतह पर आकर सांस लेती हैं। उनके शरीर में हवा की थैलियां नुमा बड़े बड़े फेफड़े होते हैं, तो जिससे एक बार में हवा भर के कई मिनट तक उस समय तक वे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वी नो लाइक द एनिमल्स प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। जैसे जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ऐसे ही पौधे भी जीवधारी हैं। बट प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए उनका कोई अलग विशिष्ट अंग नहीं होता। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द टिनी वॉल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अंडर द देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों के नीचे महीन छोटे छिद्र होते हैं जिन्हों की स्टोमेटा कहते हैं। द प्लांट्स डू नॉट नीड मच ऑक्सीजन एज एनिमल्स डू। पौधों को पशु पक्षियों की तरह ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, कम मात्रा में जरूरत होती है। देयरफॉर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इज फार लोअर देन इन एनिमल्स। इसलिए पौधों में पशु पक्षियों की अपेक्षा कम मात्रा में रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स रूट आल्सो रेस्पायर। पौधों की जड़ें भी सांस लेती हैं। देयर रूट्स हैव ए थिन लेयर ऑफ सेल्स ऑन देयर आउटर सरफेस व्हिच इज कॉल्ड एपिब्लेमा। उनके रूट्स के ऊपर महीन सेल होते हैं, पतली परत होती है जिसे कि एपिब्लेमा कहते हैं। द एयर ट्रैप्ड इन द सोयल इज डिफ्यूज थ्रू एपिब्लेमा इन रूट्स। ये अपनी जड़ों के उन
उन्हीं अंगों से, उन्हीं सेल से, मिट्टी में मिली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। वुडी स्टेम ऑफ प्लांट लाइक एयर टेक एयर थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड टेंटल्स। पौधों के लकड़ी वाले तने भी अपने विशिष्ट अंगों से टेंटिकल से सांस लेते हैं। ड्यूरिंग द डे बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर इन प्लांट्स। दिन के समय तो सांस लेने के साथ ही फोटोसिंथेसिस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द सन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में फोटोसिंथेसिस में अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। लेकिन रात में सिर्फ रेस्पिरेशन ही होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। देयरफॉर प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। इसलिए रात को पौधे ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड कंप्लीट योर वर्क इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड कम टू स्कूल फॉर चेकिंग। स्कूल में अपना वर्क चेक कराने के लिए हफ्ते में एक बार आते रहिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकें, समझ सकें। टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।